हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास टू का मैथ्स। सो मैथ्स के हमारे सारे यूनिट्स जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 13 पैटर्न्स तक किया था। इस वीडियो में करेंगे लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 14 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये है आपके यूनिट का नाम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इसका मतलब क्या है? पिक्टोरियल का मतलब है पिक्चर्स, है ना। पिक्चर्स के थ्रू किसी डाटा को, किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, जो हमने क्लास वन में भी पढ़ा था पिक्टोग्राफ करके, है ना। तो वही है यहाँ पर जो आपको करना है, सब पिक्चर्स के ऊपर होता है। पिक्चर्स दिखाकर हम जो है किसी इंफॉर्मेशन को बताते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है डाटा। डाटा क्या है? देखिए, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन, जिसे कि फिगर्स में दिखाया जाता है, फिगर्स पिक्चर्स में दिखाया जाता है, उसी को हम डाटा बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पिक्चर देखकर पता लगाना होता है। अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पर कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स हैं। आपको हर एक एनिमल्स को गिनना है, काउंट करना है, और कितने एनिमल्स हैं इस पिक्चर में उतने बॉक्स को यहाँ पे कलर करना है। जैसे यहाँ पे जिराफ, जिराफ इस पिक्चर में, देखिए पूरे पिक्चर में कितने जिराफ हैं, एक ही जिराफ है ना। तो हम सिर्फ एक बॉक्स को यहाँ पे कलर कर देंगे। देन एलिफेंट देखेंगे, तो यहाँ पे दो एलिफेंट है, 1 और 2, है ना। तो हम यहाँ पे 2 बॉक्सेस में कलर करेंगे। तो ऐसे आपको कलर करके खाना है कि यहाँ पे कितने एनिमल्स हैं, कितने मंकीज हैं, है ना। तो मंकीज काउंट करेंगे इस पिक्चर में, 1 2 3 3 मंकीज हैं, तो हम 3 बॉक्स में कलर करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे बर्ड्स कितनी हैं, 5 बर्ड्स हैं, तो हम पूरे 5 बॉक्स को कलर करेंगे। देन लास्ट में यहाँ पे कितने क्रैप्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 क्रैप्स हैं, है ना। तो हम 4 बॉक्स को ऐसे कलर करेंगे। तो ये है जो आपको यहाँ पर करना है, कलर करके काउंटिंग बतानी है एनिमल्स की। अब नेक्स्ट क्या करना है, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोस दिए हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया है, इस चार्ट को देखकर आपको जो है नीचे दिए गए क्वेश्चंस को फिल करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए 4 बच्चे हैं, रीटा, राजू, आशु, नीना, ठीक है। तो और यहाँ पर कुछ मैंगोस भी बने हुए हैं, और यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ मैंगोस ईच चाइल्ड हैज, मतलब कितने मैंगोस हैं इन एक एक बच्चों के पास। तो अब देखिए, अभी यहाँ पे तो देखिए 1 2 3 4 5 मैंगोस हैं रीटा के पास, पर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ईच मैंगो, एक मैंगो का जो पिक्चर है ना, उसका मतलब है 2 मैंगोस, ठीक है। तो ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, है ना। एक मैंगो के पिक्चर का मतलब है कि उस बच्चे के पास 2 मैंगोस हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आशु के पास एक मैंगो का पिक्चर दिया है, तो क्या उसका मतलब उसके पास एक मैंगो है? नहीं, उसका मतलब उसके पास 2 मैंगोस हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 पिक्चर है मैंगोस के, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है एक का मतलब 2 है ना, तो 2 प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ पे कितने मैंगोस हैं? राजू के पास यहाँ पर 6 मैंगोस हैं, ठीक है। तो ये मतलब है इस पिक्चर का। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और जल्दी से आंसर फाइंड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर ए पे डैश हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मैंगोस, किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मैंगोस हैं। तो आपको वो पिक्चर में देखकर ही पता चल रहा है कि रीटा के पास सबसे ज्यादा मैंगोस हैं, तो हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे रीटा, ठीक है। देन नंबर 2, डैश हैज द लीस्ट नंबर ऑफ मैंगोस, किसके पास सबसे कम मैंगोस हैं। सबसे कम मैंगोस आशु के पास है ना। आशु के पास एक मैंगो का पिक्चर है, जिसका मतलब है कि उसके पास सिर्फ 2 मैंगोस हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आशु लिखेंगे। देन नीना हैज डैश मैंगोस, नीना के पास कितने मैंगोस हैं। तो देखिए नीना के लाइन यहाँ पर है लास्ट में, उसको काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 मैंगोस है ना, 4 मैंगोस के पिक्चर है, लेकिन एक का मतलब है कि 2 मैंगोस। सो टोटल उसके पास कितने मैंगोस हो गए, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कितने मैंगोस हो गए, 8 मैंगोस, ठीक है। तो हमें नीना के पास कितने मैंगोस लिखने हैं, 8 मैंगोस लिखने हैं। देन डैश हैज 2 मैंगोस मोर देन राजू, किसके पास राजू से भी 2 मैंगोस ज्यादा हैं। तो देखते हैं सबसे पहले राजू के पास कितना है। देखिए राजू के पास 1 2 3 3 × 2, यानी राजू के पास 6 मैंगोस हैं। तो किसके पास 2 और मैंगोस है राजू से, राजू के पास 6 मैंगोस है, तो 2 मोर मैंगोस किसके पास है, नीना के पास 8 मैंगोस है, मतलब 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, यानी नीना के पास 8 मैंगोस है। तो हम आंसर लिखेंगे नीना, है ना। नीना के पास राजू से भी 2 और मैंगोस हैं, तो हम यहाँ पे नीना लिखेंगे।
अब उसी तरीके से अगला पिक्चर देखते हैं। देखिए गेम्स वी प्ले, यहाँ पे गेम्स के ऊपर बताया गया है। देखिए बास्केटबॉल कितने बच्चों को पसंद है, है ना, बैडमिंटन कितने बच्चों को पसंद है, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, है ना, ये सारे स्पोर्ट्स हैं और वो कितने बच्चों को पसंद है वो पिक्चर है जो यहाँ पे दिया गया है। लेकिन ध्यान से देखिए, एक बच्चे का पिक्चर का मतलब एक बच्चा नहीं है, वो बात है जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए दी गई है। देखिए एक पिक्चर, एक बच्चे का पिक्चर का मतलब है कि 5 students, है ना। सो अगर आपने एक बच्चे का पिक्चर देखा तो उसका मतलब है कि 5 बच्चे। तो यहाँ पे देखिए 5 + 5 + 5 + 5, तो देखिए यहाँ पे बास्केटबॉल कितने लोगों को पसंद है, 20 बच्चों को पसंद है, है ना, क्योंकि एक पिक्चर का मतलब है कि 5 students को पसंद है, तो ऐसे 20 students को पसंद है बास्केटबॉल। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से काउंट करके सबसे पहले लिख देंगे ताकि फिर हमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। सो देखिए सबसे पहले बास्केटबॉल यहाँ पे 5 + 5 + 5 + 5, 4 × 5 विच इज इक्वल टू 20, तो 20 बच्चों को बास्केटबॉल पसंद है। ठीक है, देन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 5 क्या होता है, 35, तो 35 बच्चों को बैडमिंटन पसंद है। देन 1 2 3 4 5 5 5 = 25 25 बच्चों को वॉलीबॉल पसंद है। देन 30 बच्चों को टेबल टेनिस पसंद है एंड 9 × 5 = 45 बच्चों को फुटबॉल पसंद है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से टोटल करके यहाँ पे लिख दीजिए और फिर हमें आंसर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले नंबर 1, विच इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम क्या मतलब, पॉपुलर मतलब जो सबसे ज्यादा खेला जाता है, तो वो कौन सा गेम है, वो है फुटबॉल, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो हम यहाँ पे आंसर में फुटबॉल लिखेंगे। देन विच इज द लीस्ट पॉपुलर गेम, लीस्ट मतलब सबसे कम खेला जाने वाला खेल कौन सा है, तो यहाँ पे बास्केटबॉल है, है ना, क्योंकि वहां पे सिर्फ 20 बच्चे हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं। देन हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स प्ले वॉलीबॉल देन बास्केटबॉल, कितने ज्यादा बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं बास्केटबॉल से, तो सबसे पहले बास्केटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं देखते हैं। देखिए 20 बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं और वॉलीबॉल 25 बच्चे खेलते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 25 - 5, 5 बच्चे ज्यादा वॉलीबॉल खेलते हैं बास्केटबॉल से, है ना, 5 का डिफरेंस है ना, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। नेक्स्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले टेबल टेनिस, कितने बच्चे टेबल टेनिस खेलते हैं, 30 बच्चे, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने काउंट किया था, तो 30 लिखेंगे यहाँ पे, टेबल टेनिस 30 बच्चे खेलते हैं। देन वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बैडमिंटन एंड फुटबॉल, तो बैडमिंटन और फुटबॉल को प्लस करके लिखना है, तो देखिए बैडमिंटन में कितने हैं, बैडमिंटन में 35 हैं और फुटबॉल में 45 हैं, तो कितने हो गए टोटल, सो 35 + 45 = 80, तो टोटल मिलाकर 80 बच्चे खेलते हैं बैडमिंटन और फुटबॉल, तो हम यहाँ पे 80 लिख देंगे। ठीक है, और इस चार्ट को ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये कलर्स के ऊपर है। सो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आकाश ने अपने क्लासमेट्स से, क्लासमेट्स मतलब उसके क्लास के जो बच्चे हैं, उनसे पूछा कि उन्हें कौन सा कलर पसंद है। ठीक है, और उसने एक चार्ट यहाँ पे बना रखा है जिसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कितने बच्चों को कौन सा कलर पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 5 बच्चे हैं जिनको येलो कलर पसंद है। देन 3 बच्चे हैं जिनको ब्लू कलर पसंद है। सबसे ज़्यादा बच्चों को रेड कलर पसंद है जो कि 7 है एंड ग्रीन कलर 4 बच्चों को पसंद है। ठीक है, तो ये है जो हमें चार्ट में देखकर यहां पर पता चल रहा है। सो आपको यहां पे क्या करना है, इन बॉक्सेस को कलर करना है। जैसे यहां पे येलो है तो इन सारे बॉक्सेस को येलो कलर कर लीजिए, और यहां पर ब्लू है तो आपको यहां पर सारा ब्लू कलर करना है, देन रेड कलर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कलर करना है और फिर काउंट करके यहां पर नंबर्स लिखने हैं कि कितने बच्चों को कौन सा कलर पसंद है। अब देखिए विच इज द कलर दैट इज लाइक्ड मोस्ट, कौन सा कलर है जो सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है, तो वो कौन सा कलर है, वो रेड कलर है, है ना, तो हम यहाँ पे रेड लिख देंगे। देन विच कलर इज लाइक्ड द लीस्ट, तो कौन सा कलर है जो सबसे कम पसंद किया जा रहा है बच्चों के बीच में, तो वो है ब्लू। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्लू लिख देंगे। हाउ मेनी मोर ग्रीन बॉक्सेस आर देयर देन ब्लू बॉक्सेस, सो ब्लू बॉक्सेस से कितने ज्यादा ग्रीन बॉक्सेस हैं, तो देखिए ग्रीन बॉक्सेस 4 हैं, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, है ना, 1 बॉक्स ज्यादा है।
देन हाउ मेनी लेस ब्लू बॉक्सेस आर देयर देन रेड बॉक्सेस. सो रेड बॉक्सेस से कितने कम है ब्लू बॉक्सेस, तो क्या करेंगे, तभी भी माइनस करेंगे. रेड बॉक्सेस कितने हैं, 7, तो 7 को माइनस करेंगे 3 से, है ना, क्योंकि रेड और ब्लू के बीच का डिफरेंस पूछा है. तो 7 - 3 = 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है, और ऊपर 1, ठीक है. तो ऐसे ही इसको कंप्लीट करेंगे, सिर्फ पिक्चर देखकर ही आपको पता चल जाएगा. अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए यहाँ पर वाटर वी ड्रिंक, उसके ऊपर ये चार्ट दिया गया है. देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है वो आपको खुद बनाना है, मतलब आपको खुद वो पिक्चर जो है आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है. देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आपको अपने फैमिली मेंबर से पूछना है कि वो कितने ग्लासेस पानी पीते हैं. तो सबसे पहले आप मम्मी से पूछेंगे कि मदर कितने ग्लास पानी पीती है, तो जितने ग्लास आपकी मम्मी कहती है उतने टिक आपको लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5. अगर 5 पीती है तो 5 टिक्स लगाएंगे. फिर फादर से आप पूछेंगे कि कितने ग्लासेस आपके पापा पानी पीते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर देते हैं, ठीक है, ये हम इमेजिन कर रहे हैं. देन ब्रदर कितना पीता है, सो 1, 2, 3, 4 कर देते हैं. और टिक करने के बाद आपको काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर आंसर लिखना है 6, है ना. और यहाँ पे देखिए 7 है तो 7 लिख देते हैं, काउंट करना है और फिर लिखना है. देखिए जैसे कि यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है. देन अब देखिए सबसे पहले पूछा है कि सबसे ज्यादा पानी मेरा कौन पीता है, तो माय फादर, क्योंकि यहाँ पे फादर है ना 7 ग्लासेस, तो हम यहाँ फादर लिख देंगे. देन माय डैश ड्रिंक्स लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब सबसे कम, तो वो कौन है, सिस्टर, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 टिक हैं, तो हम यहाँ पे सिस्टर लिख देते हैं. आई ड्रिंक डैश ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे, तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, है ना, तो 4 ग्लासेस यहाँ पे लिख देते हैं. देखिए वैसे हमें 6 to 7 ग्लासेस पीना चाहिए, यहाँ पे ऐसे ही हमने कुछ नंबर्स डाल दिए हैं, तो आप यहाँ पे ज्यादा टिक करके भी बना सकते हैं, ठीक है. माई सिस्टर और ब्रदर ड्रिंक्स, ठीक है, तो आपको सिस्टर या ब्रदर का भी नंबर यहाँ पे लिखना है काउंट करके, ठीक है. तो आपको ज्यादा टिक लगाने हैं क्योंकि ये तो बहुत कम है ना, हमें जो है ज़्यादा टिक लगाने हैं क्योंकि हम ज़्यादा ग्लास पानी पीते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टिक करना है और इस तरीके से क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. अब देखिए लास्ट में यहाँ पे एक वर्कशीट दी गई है, देखिए काउंट द नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पे इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है, बहुत ही ईजी है ना. जैसे कि यहाँ पे देखिए 9 एप्पल्स के पिक्चर हैं, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे. देन कैरेट्स कहाँ कितने हैं, देखिए 8 कैरेट्स हैं, है ना, तो हम यहाँ पर कैरेट के सामने 8 लिख देंगे. देन नेक्स्ट देखिए बनानास कितने हैं, तो 7 बनानास हैं. देन उसके बाद देन ये टर्निप कितने हैं, देखिए जो यहाँ पर साइड में दिया गया है 15, यहाँ पे 15 टर्निप्स हैं, तो हम यहाँ पे 15 लिख देते हैं. देन पोटेटोस कितने हैं, 12 पोटेटोस हैं, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे. देन ऑरेंजेस कितने हैं, ऑरेंजेस 6 हैं, तो हम यहाँ पर लास्ट में 6 लिख देते हैं. और ग्रीन पीस है ना, ग्रीन पीस कितने हैं, 18 ग्रीन पीस है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 18 लिख देंगे. उसके बाद फिर पूछा है कलर्स कि रेड कलर्स कितने हैं, तो रेड कलर्स मतलब एप्पल है ना, तो हम एप्पल का कलर लिख देते हैं क्योंकि एप्पल 9 है. ऑरेंज कितने हैं, तो हम ऑरेंज कलर वाला फ्रूट देखेंगे जो कि यहाँ पे 6 है. देन येलो मतलब बनाना को काउंट करेंगे, है ना, तो बनाना का नंबर 7 था, तो 7 लिखते हैं. ग्रीन मतलब ग्रीन पीस को काउंट करेंगे. ब्राउन मतलब पोटेटोस को काउंट करेंगे. पिंक मतलब यहाँ पे मतलब कैरेट को काउंट करना है. और पर्पल मतलब टर्निप्स को यहाँ पे काउंट करना है और लिखना है, ठीक है. तो ये कलर्स भी काउंट करके लिखना है और लास्ट में आपको काउंट करना है कि इसमें कितने फ्रूट्स हैं और कितने वेजिटेबल्स हैं. यानी इस चार्ट में देखिए फ्रूट्स कितने हैं, एप्पल एक फ्रूट है, बनाना फ्रूट है, ऑरेंज फ्रूट है ना, तो फ्रूट 3 है और बाकी जो सारे हैं कैरेट, टर्निप, पोटैटो एंड ग्रीन पीस, ये सारे वेजिटेबल्स हैं. तो 4 वेजिटेबल्स हैं और 3 फ्रूट्स हैं, ठीक है. तो ऐसे आपको ये वर्कशीट भी यहाँ पर कंप्लीट करनी है. इसी के साथ हमारा मैथ्स का ये यूनिट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है. या सारे यूनिट्स आपको क्लास 2 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.